The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नसों का दर्द कभी कभी आपके पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। पैरों में दर्द हमने ऑलरेडी देख चुके हैं सियाटिका, और डायबिटीज के वजह से हमने न्यूरोपैथी देख रखी है। न्यूरैल्जिया एक अलग सा पेन है। न्यूरैल्जिया यानी नसों का दर्द। एल्जिया इज पेन, न्यूर इज नस, न्यूरैल्जिया इज नसों का पेन। न्यूरैल्जिया यानी शार्प शॉकिंग पेन होता है जो कि उस नस के पाथ के आसपास होगा। दैट इज बिकॉज ऑफ या तो नस इरिटेट हो रही है या नस डैमेज हो रही है। सिंपल, वो पर्टिकुलर नर्व, खून की नस की बात नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिकल नर्व की बात हो रही है। जिसके दो सबसे कॉमन टाइप है न्यूरैल्जिया के, एक है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये वो पेन है, शॉकिंग, स्टैबिंग, इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा पेन है, आपके आपके फेस में होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बहुत जोरदार पेन, जो कि बोला जाता है सलमान खान को भी है। आई एम नॉट कंफर्मिंग दैट। देन पोस्ट हर्पिटिक न्यूरैल्जिया। पोस्ट हर्पिटिक मतलब हर्पीज जोस्टर या हर्पीज की इन्फेक्शन हो जाने के बाद नसों में दर्द होने शुरू हो जाता है। पोस्ट मतलब बाद में, हर्पिटिक मतलब हर्पीज के इन्फेक्शन के बाद। वो न्यूरैल्जिया होता है शिंगल्स, हर्पीज के इन्फेक्शन के बाद, राइट। सो ये नसों में दर्द बहुत जोरदार होता है, या तो कोई केमिकली इरिटेट हो रहा है नस, या कभी कभी किडनी की डिजीजेस के वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल जमा होने लगते हैं जो के नसों को इरिटेट कर सकते हैं। डायबिटीज में भी ऐसा कभी कभी हो सकता है, पॉलीन्यूरोपैथी में नसें इरिटेट हो रही है, अगेन जैसे हमने बताया था। इन्फेक्शंस जैसे कि हर्पीज जोस्टर, सिंगल्स, एड्स, एचआईवी, लाइम्स डिजीज, सिफिलीज जैसी बीमारियों में भी ऐसा हो सकता है। वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूरैल्जिया और कॉजेस के बारे में बात कर रहे थे। अल्टीमेटली न्यूरैल्जिया यानी नसों का इरिटेशन के वजह से नसों में दर्द हो रहा है। अब ये नस में इलेक्ट्रिकल नर्व्स में या तो इरिटेशन हो रहा है या फिर डैमेज, कैन बी बिकॉज ऑफ केमिकल इरिटेशन, क्रोनिक किडनी डिजीज या डायबिटीज या इन्फेक्शन। नाउ किडनी डिजीज या डायबिटीज में देर आर यू नो लैक एसिड विच इज बिल्डिंग अप। डायबिटीज में कीटो एसिड, देर आर सम पॉलीन्यूरोपैथी हैपनिंग बिकॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, नसों में डैमेज हो रहा है। किडनी में भी, किडनी की बीमारी में भी नसों में डैमेज होता है। और इन्फेक्शन जैसे हर्पीज जोस्टर, सिंगल्स, एचआईवी, एड्स, लाइम डिजीज और सिफिलीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी ऐसा हो सकता है, और कई दवाओं की वजह से हो सकता है। दवाएं जैसे कि सिसप्लास्टिन, पैक्सिटेक्सल और विनक्रिस्टीन, ये सारे काइंड ऑफ कीमोथेरेपी मेडिकेशन से भी हो सकता है वो दवाइयाँ। ब्लड डिसऑर्डर जैसे पोरफायरिया, देन अगर कोई चीज़ नसों को दबा रही है, देर इज अ प्रेशर ऑन द नर्व, मे बी बिकॉज ऑफ बोन, लिगामेंट, ब्लड वेसल या किसी ट्यूमर, किसी भी कारण से प्रेशर आ रहा है, जैसे हमने देखा था पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम में, सियाटिका वाले केस में, या फिर कोई ट्रॉमा है, चोट है, तो इनमें से किसी भी चीज़ में अगर वहाँ सियाटिक नर्व पे हो रहा है तो दैट इज अ न्यूरैल्जी ऑफ सियाटिक नर्व कॉल्ड एज सियाटिका। अब यही चीज आपके ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या हर्पिटिक न्यूरैल्जिया या कहीं पे भी न्यूरैल्जिया हो सकता है। दिस काइंड ऑफ अ थिंग कैन हैपन। इवन दिस कैन बी सिंपल वे में कभी कभी सुनपना भी आ सकता है। सो पोस्ट और कई कारण है, पता ही नहीं चलता, कई केसेस में कारण ही नहीं पता चलता। अब पोस्ट हर्पिटिक न्यूरैल्जिया और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ये सबसे कॉमन फॉर्म है न्यूरैल्जिया के, और इट इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड एज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व यहाँ पे आती है गले से लेके फैरिंग्स तक, यानी गले से लेके अंदर ही अंदर मुंह के पीछे वाले हिस्से में फैरिंग्स तक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, जो कि आपके जो गला है, थ्रोट है, उसको, पीठ नहीं, गले वाले थ्रोट को सप्लाई करती है। सो न्यूरैल्जिया इज मोर कॉमन इन ओल्डर, जितना उम्र बढ़ती जाती है न्यूरैल्जिया बढ़ता जाता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। सिम्टम क्या आएंगे अगर आपको नसों का दर्द है, न्यूरैल्जिया है, तो नंबर वन, वेरी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू ऑफ द स्किन। स्किन पे ही ज़्यादा उस नसों में टच किया कि अजीब सेंसेशन आ सकता है, दर्द हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है, टच पे, प्रेशर पे पेन जैसा लग सकता है,
या और पेन नर्व के पाथवे के हिसाब से, अगर नर्व यहाँ से जा रही है हमें पता है, डॉक्टर को पता है नर्व जा रही है उसी जगह पे दर्द बता रहे हो, यही दर्द है यही दर्द है, इट माइट बी ट्राइजेमल न्यूरालजिया, यही दर्द है यही दर्द है यहाँ पे, यही दर्द है शियाटिका, तो इस तरह के का हो सकता है। सो पेन कैन बी शार्प, कैन बी स्टैबिंग, कैन बी बिकॉज ऑफ द सेम लोकेशन, कैन कम एंड गो, कैन बी इंटरमिटेंट कॉन्स्टेंट बर्निंग, ऐसा हो सकता है। और कुछ काम करने से पर्टिकुलर उस नर्व को इरिटेट हो सकता है, वो पेन कर सकती है, वीकनेस हो सकती है, या कंप्लीट पैरालिसिस भी हो सकती है उस नर्व की, अगर वो नर्व ज़्यादा डैमेज हो जाए। सो अल्टीमेटली इसमें एग्जामिनेशंस होते हैं, सेंसेशन चेक की जाती है, रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं, मसल मास कहीं एक तरफ में गड़बड़ हो दूसरी तरफ है तो ये इस तरफ के मसल्स कम होते जाएंगे, या एक हाथ के मसल्स कम होते जाएंगे अगर वहाँ की नर्व सप्लाई खराब हो रही है, तो मसल मास कम हो जाएगा। स्वेटिंग यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है तो यहाँ पे नसों में कुछ प्रॉब्लम है, स्वेटिंग इज कंट्रोल बाय नर्व्स, टेंडरनेस होगी दबाने से, ट्रिगर पॉइंट्स होंगे कि एक पर्टिकुलर जगह को ट्रिगर कर टच करिए तो पेन बढ़ गया, ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सब नसों में दर्द के हो सकता है। सो यू मे नीड टू सी अ डेंटिस्ट ऑल्सो, क्योंकि दर्द अगर पेन मुंह में कहीं है तो दांतों की दिक्कत के वजह से भी वो पेन, फुट एप मान लो टूथ एप्सेस हो जाए, टूथ पेन हो जाए, टूथ में पस भर जाए, तो वो भी नसों को डैमेज या इरिटेट कर सकती है। उसके अलावा अगर स्वेलिंग है या रेडनेस है तो फिर इन्फेक्शन जैसी चीज़ भी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है यहाँ पर भी, हाँ तो उन चीज़ों को भी रूल आउट करना जरूरी है, दूसरी बीमारियों को भी। इसके लिए फिर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, किडनी फंक्शन, ब्लड शुगर लेवल्स, न्यूरालजिया के, फिर जरूरत पड़ने पे नर्व कंडक्शन स्टडी की जा सकती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, पीठ में से वहाँ पे स्पाइनल टैप किया जा सकता है, MRI किया जा सकता है, तो बथेरे टेस्ट होते हैं जिससे पता किया जा सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है। और ट्रीटमेंट देखो डिपेंड करता है कॉज पे, लोकेशन पे, सिवियरिटी पे, ज़्यादातर केसेस में मल्टीपल चीज़ें दी जाती है, जैसे कि ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशंस, फिर पेन मेडिकेशन स्किन पैच या क्रीम के हिसाब से भी दी जा सकती है, स्किन पैच लगा दिया धीरे 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 वो काफ़ी लंबे समय तक दवाई देता रहता है, या क्रीम होती है रोज की लगाओ आपको आराम आता रहेगा। इसके बाद में भी कई बार एंटी डिप्रेसेंट या एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन दी जाती है, जी हाँ, क्योंकि नसों को शांत करना ज़रूरी है, एंटी डिप्रेसेंट्स ब्रेन की एक्टिविटी को शांत करता है, नसों को शांत करता है, और एंटी कन्वर्जन भी नसों को शांत करता है, तो पेन कम हो जाता है। जी हाँ, ये इसलिए दिया जाना पड़ता है, इतना पेन होता है कि पूछो मत, तो फिर वी हैव टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देन कभी कभी नसों में दर्द में इंजेक्शन एनेस्थेटिक ब्लॉक्स दिए जा सकते हैं, शॉर्ट्स पेन रिलीविंग एनेस्थेटिक ड्रग्स, कभी यहाँ पे कभी नसों में नर्व ब्लॉक्स दिए जा सकते हैं, फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपी की जा सकती है न्यूरालजिया के, खासकर पोस्ट हर्पिटिक न्यूरालजिया में प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं जिसमें नर्व्स के अंदर फीलिंग कम की जा सके, जैसे कि नर्व एब्लेशन है उसको कम कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया जा सकता है, हीट या बलून कंप्रेशंस किए जा सकते हैं उस नर्व को, इंजेक्शन दिए जा सकते हैं नर्व के अंदर जिसमें बेसिकली नर्व के अंदर जो सेंसेशन जा रहा है उसको कम कर दिया जाता है ताकि आपको दिक्कत कम हो जाए, राइट, नर्व की कंडक्शन, नर्व ब्लॉक हो जाती है उसमें। सर्जरी ऑपरेशन किया जा सकता है, अगर कुछ ना हो तो नर्व काट दिया जा सकता है। अल्टरनेट थेरेपी जैसे एक्यूपंक्चर, बायोफीडबैक, ऐसी चीज़ें, मसाज थेरेपीज ट्राई की जा सकती है। तो ये सारा ट्रीटमेंट होता है नर्व प्रॉब्लम्स में। और याद रखिए, ज़्यादातर अगर ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड या नर्व स्टिमुलेशन भी किया जा सकता है, जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट या ट्राई करते हैं, दिस इज कॉल्ड मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन, ये भी ट्राई किया जाता है रेयर केसेस में। इलेक्ट्रोड रखा जाता है उस नर्व के पार्ट में या स्पाइनल कॉर्ड में या कभी कभी ब्रेन में, और उसे पल्स जनरेटर के अंडर स्टिमुलेट किया जाता है, इससे नर्व्स का दिस चेंजेस हाउ द नर्व सिग्नल्स एंड इट मे रिड्यूस द पेन, दिस कैन हैपन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं नर्व पेन में। याद रखिए, नर्व पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके कारण तक जाना चाहिए, दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो फिर इट कैन नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग, बट इट कैन बी हैव अ लॉट ऑफ नो पेन, बहुत हो सकता है सिवियर पेन हो सकता है, लाइफ ऑल्टरिंग हो सकता है। सो याद रखिए, इसमें ये सब है। कॉम्प्लिकेशंस में दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं,
दांत में प्रॉब्लम हो तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन या दूसरी चीजें रूल आउट करनी जरूरी है। पता लगा कुछ नहीं कर रहे हो, इन्फेक्शन फैल गया दिमाग में, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सर्जरी वर्जरी अगर करनी पड़ती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर से डिस्कस करना है। और प्रिवेंशन के लिए याद रखिए अपना किडनी फंक्शन, अपने विटामिन B12 लेवल्स, अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, इन्फेक्शन से बचना है, शिंगल्स विंगल्स हो जाए तो एंटीवायरल ड्रग्स प्रॉपरली लेना है न्यूरालजिया प्रिवेंट करने के लिए। तो दिस इज द बेसिक अबाउट नर्व पेन। स्मोकिंग बंद करनी है, स्मोकिंग से भी नसों में गड़बड़ हो सकती है, नर्व पेन हो सकते हैं, स्मोकिंग, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम्स। और पानी खूब पीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए। अगर डायबिटीज, किडनी, बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल इनके वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल पे देखिए, शेयर करिए, कोई सवाल है तो पूछिए, और मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। आई एम डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।